हेलो, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। तो जैसा कि हम IMED पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में, और वो लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कि पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, टाइम बच जाएगा। नहीं, जो पहला चैप्टर हमने पढ़ाया है वो अपने आप में एक स्केलेटन है। स्केल्टन मतलब समझ रहे, एक कंकाल तंत्र है। अगर वो आपका मजबूत हो तो ये सब भी धीरे धीरे मजबूत, हालांकि आपके ऊपर है, आप यहाँ से जल्दी कवर कर सकते हैं, आप लोग भी क्रिएटिव हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो आप लोग पहले चैप्टर को जरूर देख लीजिएगा, सिलेबस डिस्कशन को। तो पहला चैप्टर है, जैसा कि हमने बताया था कि दो पार्ट में है, ये ए पार्ट और बी पार्ट में सिलेबस है। पहले में इंटरप्रेन्योरशिप हम 60 में लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा है मैनेजमेंट। सिलेबस दो पार्ट में है, ए और बी, ठीक है। तो इस चैप्टर वन में हम इंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे। उस इंटरप्रेन्योरशिप के सब पार्ट में ए जो चैप्टर वन कहलाएगा उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उद्यमिता का परिचय। ठीक है, क्या है उद्यमिता, उसका क्या नीड है, उसका क्या महत्व है, ठीक है, क्या करेंगे आप, ये सब सिलेबस में था। तो आते हैं, पहला जो कंटेंट है, उद्यमशीलता या उद्यमिता का परिचय। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि आप अपने दिमाग में एक हाई लेवल का इंडस्ट्री लगाने का दिमाग सोच लीजिए, एक लो लेवल का। हाई लेवल का हमने ये बताया था, स्मार्टफोन, मोबाइल फोन बनाने का एक सोच रहे हैं आप इंडस्ट्री डालने के लिए। दूसरा जो है आप सोच रहे हैं एक दूध मिल्क का इंडस्ट्री डालने के लिए। इंडस्ट्री डालने का मतलब बेचने के लिए है, दूध का बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने घरेलू के लिए वो हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या है, उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्ति का समूह, ठीक है, नए विचार को साकार करते हुए नए व्यवसाय या संगठनों की स्थापना करता है। समझ रहे, तो यहां पे क्या है, यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति, एक व्यक्ति या फिर व्यक्ति का झुंड, जैसा कि हमने बताया था कि आप लोग जो थर्ड ईयर पास आउट होंगे तो या तो आप अकेले बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या तो अपने घर के किसी मेंबर के साथ करेंगे, या अपने दोस्त के साथ करेंगे। ठीक है, तो वो बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं वही उद्यमिता है या उद्यमशीलता है। ठीक है, जिसमें नया विचार, नया विचार का मतलब ये है कि जो चीज पहले से बन रही थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में दूध बेचने का कारोबार होता है और आप चाह रहे हैं उसको जलाने के लिए एक अपना खुद का दूध का बिजनेस स्टार्ट करें, तो आप उसी नए आइडिया पे काम करेंगे। नया आइडिया का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। अभी एक हम और चीज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, खैर चलिए डिस्कस ही कर लेते हैं। एक वर्ड होता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और दूसरा वर्ड होता है प्रोडक्शन। इस क्लास में मोस्टली सभी थर्ड ईयर के लोग हैं, तो इसमें ये वर्ड खासकर मैकेनिकल के लोग थोड़ा जल्दी समझ पाएंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब केवल आपकी आवश्यकता को पूरी करेगा, आवश्यकता को पूर्ति। ठीक है, आपको किसी चीज की जरूरत है तो आपने किसी यूजलेस
चीज को लिया और उससे अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए कोई भी सामान यूजफुल बना लिया तो उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। सदियों से रहा है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है यानी कि आविष्कार करेंगे या तो आप निर्माण करेंगे या तो आप उगाएंगे, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो यहां मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आप अपने हाथ से अपने दिमाग और चीजों का उपयोग करके कोई चीज बनाएंगे। जैसे याद करिए, सबसे पहले आदमी ने कोई चीज बनाई होगी तो वो है पत्थर को काट करके एक औजार बनाया होगा जिससे शिकार किया और अपनी भूख मिटाया, तो वही मैन्युफैक्चरिंग है। अब वही पत्थर को काट काट करके आप औजार बना करके बेचेंगे तो वही प्रोडक्शन, ठीक है। जहां बेचने का कॉन्सेप्ट आ जाएगा वही मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आपका सामान बिके, बहुत ज्यादा मात्रा में बिके, ये किस बात पे निर्भर करता है? इस वैल्यू पे निर्भर करता है। किस पे? वैल्यू पे निर्भर, ठीक है। तो अगर किसी प्रोडक्ट के, किसी सामान की, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की, कोई भी चीज अगर आप वैल्यू बढ़ाएंगे उतनी उसकी डिमांड होगी, उतनी उसकी कमाई बढ़ेगी, ठीक है। तो वैल्यू में क्या क्या है? पहला है, सबसे पहले क्वालिटी। क्या है? क्वालिटी को हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था कि डिग्री ऑफ परफेक्टनेस। कोई भी, जैसे कहते हैं कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, यानी कोई काम करने की परफेक्टनेस आप में अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिटी। मात्रा, क्या है? मात्रा। ये क्या है? गुणवत्ता। ठीक है, अब ये है क्वांटिटी का मतलब ये है कि जितना कंज्यूमर को चाहिए, कंज्यूमर का मतलब ये है कि जो भी उसका उपभोग कर रहा है, ठीक है, उपभोगकर्ता, ठीक है, जो भी उसको यूज कर रहा है उपभोगकर्ता, जितना उसको चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। किसी भी जगह पे, किसी भी क्षेत्र में मान लीजिए 1000 उपभोगकर्ता हैं, आप सामान बना रहे हैं 700, तो कैसे उपभोग हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना, तो वो क्वांटिटी को दर्शाएगा। नेक्स्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब दिखावट। क्या है? दिखावट। ये सिलेबस से हट के है लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, यानी इसका रंग, किसकी बात करेंगे? रंग, रूप, आकार, ठीक है। रंग, रूप, आकार, कोई भी आप सामान खरीदने जाते हैं तो रंग देखते हैं, उसका रूप देखते हैं, उसका आकार देखते हैं। रूप, आकार, आकृति, यही सेम चीज है। ये रूप जो है, आकार, ये सेम चीज है, और दूसरा है आकृति, ठीक है। ये कंफ्यूज मत कीजिए, ये अलग अलग लैंग्वेज के शब्द हैं, ठीक है। रूप ये उर्दू शब्द है, ठीक है, ये हिंदी शब्द है, ये भी हिंदी। तो आप आकार और आकृति की बात करिए। आकार ये बताएगा किसी चीज का कि वो किस शेप में है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सर्कुलर है, स्फेरिकल है, मतलब स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, क्यूबिक है, या किस तरीके के वो दिख रहा है। जैसे पेन क्या है? ये कॉनिकल सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो ये बता रहा है उसका आकृति। वो बताएगा कि इसमें कितना मटेरियल लगा हुआ है, ठीक है।
अपीयरेंस में हर चीज आ गई, रंग आ गया, उसमें मटेरियल कितना लगा है, कौन सा मटेरियल सोने का बना है, चांदी का बना, लकड़ी का बना है, मिट्टी का बना है, ये सब की बात करेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट चौथा, इफेक्ट, इफेक्ट यानी कि उपयोग जब हो रहा वो सामान तो वो कितना इफेक्टिव है, इफेक्टिव का मतलब वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये तो हम बात कर दिए क्वालिटी की, लेकिन आदमी के अनुसार वो कितना परफेक्ट है, या फिर दूसरे नजरिए से आदमी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, ये इफेक्ट क्या है। एक है इन्वायरमेंट, यहां शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं, और दूसरा ह्यूमन, यानी कोई भी जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंट को कितना इफेक्ट कर रहा है निगेटिव मैनर में, और ह्यूमन को इफेक्ट कितना कर रहा है निगेटिव मैनर में। जैसे फ्रिज होता है या एसी होता है, उसमें जो गैस भरी जाती है, पहले के टाइम पे सीएफसी भरी जाती थी, तो इन्वायरमेंट को बहुत खराब कर रहा था। तो कोई कंपनी होती थी जो गैस मैन्युफैक्चरिंग करती थी ना, ठीक है, तो बना के कंज्यूमर को देती थी, तो वो इन्वायरमेंट को प्रभाव कर रहा है। ऐसा हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है, ठीक है, प्लस ह्यूमन को भी इफेक्ट ना करे। जैसे पटाखे वाले लोग फोड़े हो गए, कुछ पटाखे ऐसे होते हैं कि ठीक है, बहुत ज़्यादा आवाज़ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या है जर्क नहीं है, हाँ, तो वो ठीक है, अच्छा लग रहा है, जैसे छुरछुरी आप फोड़ते हो, ठीक है, तो अच्छा है, लेकिन वही बम बगल में फोड़ दो तो बेकार है, तो ऐसा होना चाहिए। तो कहने का मतलब, ये जो पूरी पढ़ाई है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में होता है, किसमें, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में होता है। अगर कहीं किसी चीज के वैल्यू बढ़ाने की बात करेंगे, वैल्यू बढ़ाने की बात करेंगे, तो उसकी पढ़ाई किसके सब्जेक्ट के अंतर्गत थी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है एक तरीके से IMED, ठीक है। तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बस ये आप अपने में, ये थोड़ा फ्लेवर से हट करके है, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। यानी कि कहीं अगर कोई भी इंडस्ट्री आप डालने जा रहे हैं, तो जो भी चीजें बना रहे हैं उसकी वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे उतने ही मार्केट में डिमांड बढ़ती जाएगी। तो हम बात क्या किए थे, उद्यमिता वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्ति का समूह नए विचार को साकार करते हुए एक नया व्यवसाय या संगठनों की स्थापना करता है, या आप एक इंडस्ट्री आपके दिमाग में है कि एक कारखाना हम खोल देंगे, या फिर एक से अधिक कारखाना खोल देंगे। जब एक से अधिक कारखाना खोलेंगे तो उन कारखानाओं का जो संगठन होगा उसको एक ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो यहां तक आ गया। अगर डिफिनेशन पूछेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप की क्या डिफिनेशन है, तो मात्र इतना तक अगर लिख देंगे तो आप सफल डिफिनेशन लिखने के काबिल हो गए। अच्छा, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करने जा रहे हैं तो इसमें जोखिम लेने प्लस अवसर पहचान करने और व्यापारिक सफलता प्राप्त करने की क्षमता शामिल होती है, किसके अंदर, जो व्यवसाय करने जा रहा, ठीक है, ठीक है, पता चलेगा। आप व्यवसाय स्टार्ट किए, इंडस्ट्री स्टार्ट किए, तो अब सोच रहे हैं कि 1 करोड़ मिल जाए फायदा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा बहुत जोखिम उठाने की, ठीक है, जोखिम उठाने की, सहन करने की शक्ति रखिए, नहीं रखेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। प्लस अवसर की पहचान करने, ये भी ध्यान रखिए कि कब हमको अपना इंडस्ट्री डालना है। अब आपको आइसक्रीम का इंडस्ट्री डालना है
अब चले आप ठंडी में उसको इंडस्ट्री लगाने, तो क्या वो सही पड़ेगा? नहीं सही पड़ेगा। प्लस व्यापारिक सफलता प्राप्त करने की क्षमता होगी, मतलब व्यापारिक तरीके से आप एक गुण मौजूद होना चाहिए। उद्यमिता के तहत एक उद्यमी न केवल व्यवसाय शुरू करता बल्कि उसे प्रबंधित करता है और बढ़ाता है, समझ रहे? यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी एंटरप्रेन्योर है, हम बार बार कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर, ये सब वर्ड इंग्लिश के हैं और इसको जरूर लिखा करिए जैसा कि यहाँ स्लाइड में लिखा गया, उद्यमी और ये दोनों एक ही साथ लिखा है। आप उद्यमी लिख करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसको लिखने के लिए, लिखने से आपका राइटिंग स्किल और कम्युनिकेशन स्किल और आपकी क्रिएटिविटी और आपकी सोच एग्जामिनर समझ जाता है और आपको अच्छा नंबर जरूर देता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट। उद्यमिता का अर्थ, ठीक है, उद्यमिता का मतलब क्या अर्थ? सिंपल व्यवसाय, सिंपल कारखाना खोलना, सिंपल कारखाना स्टार्ट करना, मतलब एक तरीके से बिजनेस स्टार्ट। तो एक व्यापक और महत्वपूर्ण विषय है जो व्यापारिक सोच, नवाचार और संगठनात्मक कौशल पर आधारित है। देख रहा, अभी पिछला ही है, बस उसको अपने हिसाब से लिखा गया, पिछला ही डिफिनेशन है। उद्यमिता क्या है? एक व्यापक और महत्वपूर्ण विषय है जिसमें व्यापारिक सोच होती है, उस व्यापारिक सोच में नवाचार और संगठनात्मक कौशल निहित होता है, उसी को उद्यमिता। इसके अंतर्गत नए व्यापारिक विचारों का साकार करना, जोखिम लेना और नई संभावनाओं को पहचानना शामिल है। सेम वही पिछला वाला ही है। अगर आ जाएगा उद्यमशीलता क्या है तब भी आप लिखेंगे, उद्यमिता क्या है तब भी आप लिखेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब आ रहा है उद्यमिता की परिभाषा। लगभग वही चीज है। उद्यमिता वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति नए अवसरों को पहचान करता है, आ रहा गई वही चीज। तो ये तीनों जितने हैं सब सेम तरीके से लिखा गया है, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से। उद्यमिता वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति नए अवसरों की पहचान करता है, उन अवसरों पर विचार करता है और जोखिम लेकर नए व्यापार या परियोजनाओं का शुरुआत करता है। उद्यमिता का मुख्य उद्देश्य न केवल लाभ कमाना होता है बल्कि समाज में मूल्य को जोड़ना और नवीन समाधान प्रदान करना भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने भले के लिए रोजगार नहीं खोल रहे हैं बल्कि उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिले, प्लस उनका सामाजिक स्तर ऊंचा हो, उनके अगल बगल का जो आर्थिक गतिविधियां हैं अच्छा हो, वहां का रहन सहन अच्छा हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देखते हैं। आप बड़े बड़े इंडस्ट्री में चले जाएंगे, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां उसका खुद का मार्केट होता है, खुद का स्कूल होता है, खुद का हॉस्पिटल होता है। क्यों होता है? ताकि एक सामाजिक स्तर और मतलब हर चीज वहां पे मेंटेन रहे कि आदमी वहां के लोकल आदमी परेशान न हो, तो आपका ये टारगेट होता है। नेक्स्ट है उद्यमिता के प्रमुख तत्व। क्या क्या उद्यमिता के अंतर्गत आता? फिर आ रहा वही, क्या रहा? नवाचार, इनोवेशन, इनोवेटिव आइडिया, ये फिर या क्रिएटिव आइडिया, इसको लिख सकते हैं क्रिएटिव आइडिया। क्या लिख सकते हैं? क्रिएटिव आइडिया। आपके दिमाग, आप छोटे बच्चे जब होते हो ना तो पता है खिलौने में ये जोड़ते वो जोड़ते हो, दिमाग में चल रहा होता है कि हाँ ये चल रहा, ये कर रहे, ऐसा कुछ चल रहा, तो बस वही आपके दिमाग में, या खैर वहां पे हाइपोथेटिकल चल रहा होता है। एक खिलौना, एक जानवर उठाते दूसरे जानवर को लड़ाते, ये लड़ाई हो गई, ऐसे वैसे करते हो ना, ये छोटे बच्चे करते हो, लेकिन वो दिमाग में क्या सोचते हैं? वो सही सोचते हैं लेकिन आपको लगता है हाइपोथेटिकल। लेकिन जब आप वही बच्चा बड़ा हो जाएगा, वही चीज सोचेगा, तो वो जान जाएगा कि ये खिलौना है, इसमें लड़ाई नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वो वही सेम जो आपके पास सेंस है, सेम वही है, लेकिन बस वही है कि सही परख करने की क्षमता आ गई है आप में, तो ये है।
उद्यमिता में क्या है, पहला इनोवेशन है। उद्यमिता में नवाचार का महत्वपूर्ण स्थान है, इसमें नई सोच विचार या तकनीकी का उपयोग करके नए उत्पाद या सेवाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, समझ में। तो हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा कि दूध का बिजनेस स्टार्ट किया जाए, हमने सोचा ब्रेड का इस्तेमाल किया जाए, हमने सोचा कि ठीक है दूध बनता था, ठीक है दूध भैंस से गाय से जिससे भी आता हो उसमें जो शुद्धि है वो सही होनी चाहिए, पानी उसमें कम से कम हम मिलाए, कम मिलाए ही नहीं जो भी है उसका, हमने ये नहीं कहा कि मिलाने की बात कर, ठीक है। दूसरा उदाहरण ब्रेड, ब्रेड कैसा आता है, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड शेप में आता है, तो उसको दूसरे उसको राउंड शेप में दे दें, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस कर दें, तो यही हो गया, यानी कुछ सोच नई सोच हो गया, कुछ नया विचार हो गया और आपने नई तकनीकी का इस्तेमाल किया और उस इस्तेमाल से आप या तो प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं या तो सर्विस का निर्माण कर रहे हैं। प्रोडक्ट का मतलब जो मतलब आप कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, और सर्विस जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो गवर्नमेंट से हैं, ठीक है कुछ प्राइवेट से हैं, ठीक है तो प्राइवेट में क्या है या गवर्नमेंट में क्या, वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप जो है फर्स्ट ईयर में आए होंगे तो आपको डिप्लोमा धारी या फिर जैसे बहुत लोग गांव में ये कहते हैं कि ये जेई हो गया, जेई होने का मतलब क्या है कि मतलब आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप जेई बन जाएंगे, लेकिन ऐसा है पहले ये सोच नहीं आनी चाहिए, ये डिप्लोमा करने के बाद आनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब वहां पे क्या है कि आप आए हो एक सिंपल से एक स्टूडेंट हो, हमारे लिए आए हो, हम आपको बना करके किसी दूसरे को समर्पित कर देंगे जिसके लिए वो काम आओगे, तो यानी कि हमने क्या किया, एक सर्विस प्रदान किया, ठीक है यानी सेवा प्रदान किया, ठीक है। तो जितने कॉलेजेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उसमें क्या निकल रहे हैं, इंजीनियर निकल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उद्यमिता में नवाचार हो गया, जोखिम लेने की भी क्षमता होनी चाहिए, अगर जोखिम लेने की क्षमता नहीं है तो आप इंडस्ट्री नहीं लगा पाएंगे, बेशक आप कहते हैं कि यहाँ भाग्य से नहीं मतलब होता है, ठीक है भाग्य से यहां से कोई लेना देना नहीं, तो जोखिम लेना है एक अनिवार्य पहलू है। अरे जोखिम लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने सोचा था कि 100 रुपया लगाएंगे तो सीधे 300 कमाएंगे, सोचा तो था चलिए ठीक है, नहीं कमा पाए 200 कमाए, तो 100 को पचाने में ठीक है आपका आपका कम से कम भी सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, या 200 कमाए तो दो मान लीजिए 100 कमाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, ठीक है तब भी आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, 50 कमाए तब भी आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, 0 कमाए तब भी होनी चाहिए, लेकिन ये भी दिमाग में होना चाहिए कि आपकी और अच्छा हम करेंगे, और अच्छा करेंगे, ठीक है। हालांकि 0 तो नहीं होगा, ठीक है 0 तभी होगा जब कुछ एक्सीडेंटियल प्रॉब्लम हो गई हो, जैसे आपने इंडस्ट्री लगाया उसमें आग लग गई, इंडस्ट्री लगाया बाढ़ आ गई, ये इस केस में, तो यानी कि 100 इन्वेस्ट किए और 100 मिला आपको, ठीक है प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आपके अंदर ये झेलने की कैपेसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है विजन और नेतृत्व, विजन और नेतृत्व, ठीक है विजन, और विजन का मतलब एक टारगेट की बात कर, कि आपका टारगेट क्या है, 200 कमाना या 150 कमाना या 300 कमाना, समझ में। तो हम टारगेट करते हैं या फिर 100 कमाना, हमने यहां ध्यान रखिए यहां पे क्या हमने क्या किया है, 100 इन्वेस्ट किया है, तो ये तो कोशिश करते हैं 150 को टारगेट करते हैं, किसको कोशिश करते हैं
150 को टारगेट करते हैं। तो ये आपका विजन होना चाहिए और उस विजन को टारगेट करके आपके अंदर लीडरशिप की भावना होनी चाहिए कि भाई जितने मेरे अंडर, मान लीजिए आप अकेले बिजनेस स्टार्ट किए, चार आदमी लगाए हो, तो चारों को इस तरीके से मोटिवेट करिए कि काम अगर 8 घंटे दे रहे हैं तो उस 8 घंटे में बहुत अच्छा काम दे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी लीडरशिप कैसी है, नेतृत्व कैसी है, आपके जिले का, आपके विधानसभा का, ठीक है, क्षेत्र का, आपकी विधायक की क्षेत्र का नेता किस तरीके को हो, उसी तरीके का विकास होगा। समझ रहे, हम यहाँ पार्टी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने क्षेत्र के नेतृत्व की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं, उद्यमिता में एक स्पष्ट दृष्टिकोण और नेतृत्व क्षमता की आवश्यकता होती है। एक सफल उद्यमी को अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और टीम को प्रेरित करना आना चाहिए। स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, ध्यान रखिए, कोई नेता आता है कहता मैं यहां पे अपने संसदीय क्षेत्र में हवाई जहाज यहां से आने जाने की सुविधा बना दूंगा, एयरपोर्ट बना दूंगा। अब गांव वाले सोचेंगे, अरे यार ये बताओ, हमारे यहां लोग खाने का नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा है, यहाँ एयरपोर्ट कैसे ये इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो वो हाइपर चीजें हैं। तो अपनी टारगेट को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और अपनी टीम के साथ इस तरीके से प्रेरित करना, अरे हम एयरपोर्ट नहीं बना सका तो अच्छी सड़कें तो बना दो। तो अच्छी सड़कें बनाने के लिए उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको ही प्रेरित करें कि इस गांव में ये रोड बन जानी चाहिए। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, संसाधन प्रबंधन। संसाधन प्रबंधन ऐसे समझिए, आप हैं, ठीक है, आपके पास 100 रुपया आता है महीने का, 200 रुपया, मान लीजिए 1000 रुपया आता है जेब खर्च के लिए, और आपके दोस्त के पास 100 रुपया आता है, ठीक है, लास्ट में आपके पास कुछ नहीं बचता है और उस 100 रुपये में 5 रुपया बचा लेता है, ठीक है, यही है प्रबंधन। भूख ऐसा नहीं है कि उसको जेब खर्च का मतलब यह है कि आपका पेट वाला जो आवश्यकता वो पूर्ति कर दी गई है। जेब खर्च का मतलब कहीं घूमने गए, कुछ खा लिया, ये तो वो एसेसरीज टाइप का है, वो जेब खर्च है। तो वो दूसरा दोस्त 5 रुपये बचा लेता, आप मतलब महीने के लास्ट में जाते हैं कुछ नहीं बचा पाते हैं। तो संसाधन का प्रबंधन, यानी कि जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उस बिजनेस स्टार्ट करने में संसाधन प्रबंधन की क्षमता इस तरीके से हो कि कम से कम रिसोर्स में अपना इंडस्ट्री डेवलप कर सके। उद्यमिता के विभिन्न संसाधन जैसे पूंजी, पूंजी का मतलब ये है, पूंजी का मतलब पैसा, ठीक है, प्लस आपके पास जमीन जो है, प्लस आपके पास आदमी जो है, ये सब पूंजी है, ठीक है। मानव संसाधन यानी कि आपके पास कितना आदमी है, प्लस समय कुशल प्रबंधन करना आवश्यक, ठीक है, मतलब जहां पे 10 आदमी की आवश्यकता है, अगर आप अपने टारगेट लगाया कि 7 में कंप्लीट हो जाएंगे, 7 में काम कराओ ना, 3 का पैसा बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्यापार योजना, ठीक है। अब ये सब देखते हुए आप ये अभी तक कहां पहुंचे, अभी तक ये पहुंचे कि इंडस्ट्री लगाना है, लेकिन इंडस्ट्री लगा के बेचने की बात है, सेलिंग और मार्केटिंग का भी आपके अंदर दिमाग होना चाहिए। तो क्या है, व्यापारिक योजना में, समझ में, बाजार का विश्लेषण और वित्तीय योजना और व्यापारिक रणनीतियों का वितरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट में देश की बेरोजगारी दशाओं पर काबू पाने के संदर्भ में उद्यमिता की आवश्यकता, समझ में, बहुत बड़ी चीज है। आज की डेट में हर कोई पढ़ रहा है। पहले ये होता था, शिक्षा इतना अभाव होता था या आदमी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो शिक्षा
देने के काबिल में होता था। बहुत सारे उदाहरण आप देखोगे, आप अपने परिवार में पूछोगे तो ये पाओगे कि आपके पिताजी दादाजी वो 10 उम्र की से पढ़ना स्टार्ट किए। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस नहीं थी। रिसोर्सेस का मतलब ये है कि 5-6 गांव या कस्बों में जो दूरियां रहती थी स्कूल जाने के लिए वो बहुत घनी रहती थी, ठीक है। तो छोटे बच्चों को लोग भेजते भी नहीं थे ताकि इसके साथ कुछ ऐसी अनइवेंट घटनाएं हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं। अब हर कोई पढ़ेगा तो जब पढ़ेगा तो शिक्षा ले रहा है, शिक्षा ले रहा है तो उसको लगेगा कि भाई हम शिक्षित हो रहे हैं तो नौकरी भी तो चाहिए। देखिए, ये मतलब शिक्षा लेने का मतलब नहीं होता है कि आप नौकरी लीजिए। यही विषय आपको शिक्षा लेने का मतलब नौकरी नहीं होता, नौकरी देने वाला भी बना सकता है, ठीक है। खैर, अपने देश में बेरोजगारी बहुत ऊपर है, ठीक है, वो सब बात की बात है। बेरोजगारी का मेन बेरोजगारी का मेन जो है वो आपका जनसंख्या है। क्या है? जनसंख्या। ये दिमाग रखिए, सब लोग पढ़ रहे हैं तो सभी लोग, ठीक है, नौकरी चाहिए। तो आप कोशिश करिए, एक आध इंटरप्रेन्योर बनिए, इंटरप्रेन्योर बनिए, आप तो कमाएंगे ही, 10 लोगों को रोजगार भी देंगे, ठीक है। तो ये चीजें देश की बेरोजगारी दशाओं पर काबू पाने के संदर्भ में उद्यमिता की आवश्यकता पर चर्चा करते समय कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। उद्यमिता न केवल रोजगार सृजन का एक प्रभावी तरीका है बल्कि एक आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अभी हमने बताया आर्थिक गतिविधि है, मतलब जब आप गांव में कहीं इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं तो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनका सामाजिक स्तर बढ़िया हो रहा है, प्लस देश की ग्रोथ हो रही है। अरे भाई, जब वो खुश है तो देश भी खुश होगा ना, ठीक है। यानी कि देश की जो GDP है, समृद्धि विकास, उसकी भी तो इसको हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। पहला क्या है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है तो रोजगार सृजन हो रहा, रोजगार का सृजन हो रहा है, यानी जॉब क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो जॉब क्रिएट होगी तो ये क्या है, ये जॉब क्रिएट करने का एक प्रभावी तरीका है, ठीक। तो इसमें क्या ये प्रभावी तरीका है, जब कोई व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करता है तो न केवल स्वयं के लिए रोजगार उत्पन्न करता है बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए स्टार्टअप, नई कंपनियां जैसे जोमैटो, ओला और स्विगी ने हजारों लोगों को नौकरी का अवसर प्रदान किए। समझ रहे हैं? क्या है ये सब ऐसी चीजें है ना, इसमें कोई चीज उगाई नहीं जा रही है, कोई चीज बनाई नहीं जा रही, कोई चीज, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जा रहा, सर्विस दी जा रही है। क्या दी जा रही है? सर्विस दी जा रही है। तो ये क्या है, एक तरीके से रोजगार क्रिएट कर रही है। माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, ये छोटे व्यवसाय बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। पहला क्या था, उद्यमिता का टारगेट क्या था, पहला रोजगार पैदा करना, दूसरा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। आर्थिक विकास मतलब इनडायरेक्टली क्या है, पैसा कमाना। अरे रोजगार आप पा गए तो पैसा ही तो कमाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं जो समग्र आर्थिक विकास का योगदान करती हैं, ठीक है। निवेश आकर्षण, जैसे नए व्यवसाय निवेश आकर्षित करते हैं और विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित कर सकते हैं। ये देखिए, इसके अंतर्गत क्या, पहले तो आपने गांव में, जिस गांव में इंडस्ट्री लगाई थी उसके इर्द गिर्द आर्थिक गतिविधियां अच्छी हो गई, प्लस कोई दूसरे गांव का आदमी आएगा, देखेगा, कहेगा भैया एक काम करो, हमसे पैसा ले लो, ठीक है, और इस रोजगार को और बढ़ाओ। रोजगार को बढ़ाने का मतलब ये क्या है कि आप अपना कारोबार बढ़ाइए और जो हमसे पैसा ले लीजिए, ठीक है, ताकि और विकास हो,
और प्लस हमको भी फायदा पहुंचाइए। जो वो अकेले करता था अब धीरे धीरे लोग उसके पार्टनरशिप में आने लगे, तो ऐसे निवेश आकर्षण भी बन जाएगा, नवाचार और प्रतिस्पर्धा भी हो जाएगी। जब आप इंडस्ट्री स्टार्ट किए तो आपके कंपटीटर आपके पड़ोसी बैठे हैं, कहेंगे कि अरे यार ये बिजनेस स्टार्ट किया है, अच्छा हमको भी सोचने दो, हम भी स्टार्ट करेंगे। तो नवाचार स्टार्ट हो गया प्लस कंपटीशन स्टार्ट हो गया, समझ रहे हैं, बच के नहीं जाएंगे। ठीक, तो अगर आपका पड़ोसी स्टार्ट कर रहा है तो आपको लगेगा कि यार हो सकता है हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आइसक्रीम की फैक्ट्री आपने डाला था तो अब एक काम करिए, आइसक्रीम की क्वालिटी जो शायद आप छुपा के खराब बनाते थे अब सुधर जाइए, अच्छा बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट, सामाजिक सुधार और समावेशन बता ही रहे हैं। जब वहां लोग के लोग भूख से शिकार नहीं होंगे, ठीक है, भूख के शिकार, अब पैसा आने लगा तो सामान खरीद के खाने लगे तो वहां के लोग खुश रहेंगे, जब खुश रहेंगे तो उनका सामाजिक स्तर बढ़ा रहेगा। ठीक है, अब जब सामाजिक स्तर बढ़ा रहेगा तो उसमें महिला उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसा ना हो आप इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, आपकी शादी हो गई, आपके साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो गई कि आप काम करने योग्य नहीं है। अब मैं नहीं कह रहा हूं आप चले गए, आप काम करने योग्य नहीं है, तो आपकी पत्नी, आपके घर में माँ, ठीक है, अगर शादी नहीं हुई है, ठीक है, वो भी नहीं है, आपकी बहन वो कारोबार स्टार्ट कर ले, वो कारोबार को डूबने नहीं दे, तो ऐसा भी अपने आप में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समाज महिलाओं का भूमिका सशक्त होती जाए। खैर वहां एक क्या है, दुर्घटना बस वो महिला संभाल लेती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नहीं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी, भाई आपके साथ बैचमेट में लड़के तो पढ़े ना, लड़कियां भी तो पढ़ रही है, क्या उनके अंदर ये दिमाग में नहीं आएगा इंडस्ट्री लगाने के लिए? बिल्कुल है। तो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो जाएगा, ठीक, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता आएगा। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है, जैसे पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, जितने गरीब होते थे, खासकर मतलब जो कास्ट सिस्टम रहता था, छोटे वर्ग लोग रहते थे, वो किसी के यहाँ काम करते थे, तो वो जो काम करते थे, ठीक है, वो खाना खाते थे, वो काम जो करवाता था वो बहुत अच्छा रहता था, बहुत खराब भी रहता था। तो अगर ऐसा होता है वहां पे, वो दिन भर काम करते हैं, 100 रुपया मिलता है, और आप वहीं अगर बगल में इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई और वहां वो एक दिन चला गया काम करने, उसको उतने दौरान 200 मिलेगा, तो क्या उसकी गुलामी करेगा? नहीं करेगा। यानी कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की बात ही भी करेगी। अब जब वहां गया काम करने, ठीक है, तो पता चलेगा कि अरे यार ये तो हम भी स्टार्ट करते हैं, तो स्वरोजगार की बढ़ावा भी मिल जाएगी। ठीक है, जब आपका पड़ोसी भी खोल लिया, पड़ोसी का पड़ोसी भी खोल लिया, पड़ोसी का पड़ोसी भी खोल लिया, तो एक सामाजिक उद्यमिता बन जाएगी। ठीक है, यानी कि इस समाज में जाएंगे तो पाएंगे ऐसे ये चीज। जैसे आप चले जाएंगे कि कहीं कहीं ऐसे शहर में, तो उस शहर में पाएंगे कि उस पूरा जगह के लोग एक ही चीज का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए सरकार ने एक टर्म इस्तेमाल किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। सरकार ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसी एक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट बनाने का स्वतंत्रता दे दिया कि आप ये प्रोडक्ट बनाइए। ठीक है,
तो वो प्रोडक्ट बनाएगा तो दूसरे जिला वाला नहीं बनाएगा, तो उस जिले का जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो पूरे इंडिया में सप्लाई हो जाएगा, वहां के लोग खुश रहेंगे। ठीक है, जैसे पॉपुलर आगरा का पेठा, अलीगढ़ का ताला, खिलौने का जो वो रहता है खिलौना जहां बनता हो मेरठ, फरीदाबाद फिरोजाबाद की चूड़ी, तो इस तरीके से ये आ गए। समझ में आया चीज? थर्ड ईयर के बाद आप कंपटीशन में बैठोगे, जब कंपटीशन में बैठोगे तो वहां जीएस का पोर्शन आएगा, ये समझ लो 30% क्या 40% ये जीएस ही है। समझ आए? बात करते हैं से, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट और प्रशिक्षण। जब आप जो है का इंडस्ट्री जो आप बैठाए थे, दूध का, ब्रेड का, स्मार्टफोन का, किसी भी चीज की इंडस्ट्री, अब थोड़ा थोड़ा एक काम करते हैं, सरकारी वाला भी लेते हैं। ठीक है, सरकारी वाला लेने का मतलब, जैसे मान लीजिए आप लोग अप्रेंटिस किए होंगे, ट्रेनिंग किए होंगे, समर ट्रेनिंग किए होंगे, तो मोस्टली लोग रेलवे में करते हैं, और रेलवे में कहाँ करते हैं, वर्कशॉप में करते हैं। तो वर्कशॉप क्या करती है एक तरीके से, या तो गाड़ी जो होती है डिब्बे कोच उसको रिपेयर करती है, या तो इंजन को रिपेयर करती है, ठीक है, या तो नया बनाती है। तो वहां आप जाते हैं तो वहां उस फैक्ट्री में एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाता है, ताकि लोगों को हम प्रशिक्षण दे दें हमारे यहाँ कारोबार क्या होता है, और हमको जरूरत पड़े तो आप को रख लें। समझ रहे? तो आप इंडस्ट्री खोलेंगे तो आप एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोल लेंगे कि हमारे यहाँ ये एक काम किया जाता है, हम किसी को पढ़ा दें और पढ़ा करके इस काबिल बना दें कि हमारे यहाँ काम करने के साथ साथ दूसरे इंडस्ट्री में काम करने योग्य बन जाए, तो इसकी क्या हो गया, बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट, सरकारी नीतियां और समर्थन। ठीक है, आप इस तरीके की चीज बना रहे हैं, आपके इर्द गिर्द सामाजिक स्तर अच्छा हो गया, आर्थिक गतिविधियां अच्छा हो गई, तो सरकार आपको प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, तो आपके लिए सरकारी नीति आ जाएगी, और उस नीति के तहत हो सकता है आपको छूट मिले, टैक्स में छूट मिले, बहुत सारी चीजों में आपको छूट, प्लस सब्सिडी और ऋण भी मिल जाएगी आपको। फिर अगर उसी कारोबार में, उसी बिजनेस में कुछ आगे बढ़ना है तो आपको सरकार कुछ चीजों पे छूट दे देगी, जिसको सब्सिडी कहते हैं, और आपको जितना चाहे जरूरत हो उतना लोन भी प्रदान कर सकती एज ए गारंटर। ठीक है, नेक्स्ट है उद्यमशीलता के अंदर सातवां पॉइंट जो है, उद्यमिता की चुनौतियां और समाधान। मतलब अवयव में हम पढ़ रहे हैं, एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें एक सातवां पॉइंट, अभी तक पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा था, सातवां पॉइंट ये है कि उद्यमशीलता में चुनौतियां भी आएंगी, तो उस कौन कौन सी चुनौतियां, उसका समाधान क्या, जैसे वित्तीय संसाधनों में कमी। ठीक है, आपके पास जितना पैसा है आप इकट्ठे मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा लगाइए, ये आपके अंदर दिमाग होना चाहिए, तो वित्तीय संसाधनों की जो कमी है उसको पूर्ण रूप से इफेक्टिव बनाया जा सकता है। पारिस्थितिक बाधाएं भी आ सकती है, पारिस्थितिक बाधाएं जैसे सरकारी नीतियां और बुनियादी ढांचों में कमी उद्यमिता को प्रभावित कर सकती है, इसके लिए नीतियों में सुधार और बुनियादी ढांचों में निवेश करने की आवश्यकता है। अभी मान लो सरकार कहे कि जो साहब आप सामान बना रहे हैं, मान लीजिए आप आइसक्रीम बना रहे हैं, और गर्मी ऐसा हो जाए कि लोग आइसक्रीम, मतलब जैसे अभी कोविड आया था पुराना, तो उसमें ठंडे चीजों की मनाही थी, तो आइसक्रीम कहाँ से खा पाओगे। तो ये सरकार की नीतियां आएंगी, ऐसी कुछ नीतियां आ सकती हैं जो आपकी पारिस्थितिक बाधाएं बन जाएंगी, तो ऐसे भी, और प्लस प्राकृतिक आपदा आ जाएंगी जो, ठीक है, जो उस चीज को इफेक्टिव कर सकती है। अब प्राकृतिक आपदा मतलब ठंडी गर्मी में आइसक्रीम आप बना रहे हैं, और गर्मी में इस तरीके का तापमान रहे, बारिश इतनी भयंकर हो कि तापमान 25 डिग्री
के ऊपर जाए नहीं तो कौन आइसक्रीम खाएगा, ठीक है। तो ऐसा निवेश जो सुधार नीतियों में सुधार आप कर सके कि अगर मान लीजिए जैसे पहले क्या होता था, काफी ठंडी लगती थी लोग काफी पीते थे, पता है कोल्ड काफी भी आ गया, तो अपनी नीतियों में उसने सुधार कर लिया, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्या था, कंपोनेंट थे एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहां यहां क्या है, यहां पे ये है कि उद्यमी के कार्य यानी एंटरप्रेन्योर का क्या काम है उसको हम देखेंगे। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो नए व्यवसाय की शुरुआत करता है और उसे सफल बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियां करता है। उद्यमिता के क्षेत्र में सफल होने के लिए उद्यमी को कई महत्वपूर्ण कार्यों का पालन करना पड़ता है। यहां उद्यमी के अनेक कार्यों की सूची हिंदी में दी गई है, ये हिंदी में दी गई हटा लीजिए फिर, ठीक है। मतलब क्या है कि आपको हम बार बार कह रहे हैं थर्ड ईयर पास आउट होंगे तो फैक्ट्री लगाएंगे, तो आप क्या है, उद्यमी। तो उद्यमी के क्या कार्य होना चाहिए यानी उद्यमी के अंदर क्या गुण होना चाहिए एक तरीके से, उसकी हम बात करें। पहला उसका कार्य में पहला पॉइंट है आवश्यकता की पहचान, आवश्यकता की पहचान। ठीक है, आप इंडस्ट्री लगाने जा रहे हो, दूध का लगाओगे, ब्रेड का लगाओगे, ठीक है, किस चीज का लगाओगे, ये इर्द जहां लगाओगे उसके इर्द गिर्द लोगों को वो आवश्यकता है कि नहीं है, ठीक है। आवश्यकताओं का सबसे पहले बाजार में मौजूद समस्याओं या अवसरों की पहचान करता है, यह समझना है कि ग्राहकों की क्या जरूरतें हैं, वो क्या चाहते हैं और उद्यमिता की शुरुआत का नींव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही एक ऐसा है आवश्यकता की जो पहचान है उद्यमिता की शुरुआत का नींव है, ठीक है। नेक्स्ट है विचारों का निर्माण। अब आपने के दिमाग में आ गया कि दूध का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो दूध का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप सोचिए ना क्या करेंगे, भैंस रखेंगे कि गाय रखेंगे, समझ रहे, गाय भी रख सकते हैं भैंस भी रख सकते हैं या दोनों रख सकते हैं, तो ये आपके ऊपर विचार किया जाएगा, तो एक समस्या आ जाएगी ना कि क्या रखे, गाय रखें भैंस रखें या बकरी रखे, ठीक है, बकरी का भी दूध बहुत महंगा होता है, ठीक है, या ऊंट ऊंट भी होता है राजस्थान में चला जाओ तो आप चाय जो पियोगे पी लोगे उसके बाद बताएगा वो, आप अगर आप पूछोगे तो ऊंटनी के दूध का चाय था तो आपको अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन खैर जहाँ का जियोग्राफिकल भौतिक पर्यावरण है उसी अनुकूल वहां की चीजें मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग करना, योजना बनाना। अच्छा ये तो चलो ठीक है, पहला क्या था कि पहले आवश्यकता की पहचान कर लिए, उसके बाद आप ये देखें कि हाँ गाय रखना भैंस रखना दोनों रखना है, नेक्स्ट कहाँ गाय रहेंगे कहाँ भैंस रखेंगे आप, कहाँ उनके खाने की सामग्री रहेगी, कहाँ दूध निकालने की सामग्री रहेगी, कहाँ फिर, तो ये क्या है योजना। संसाधनों का जुटाव, संसाधनों का, ये तो आपने प्लानिंग कर दिया गाय यहाँ रहेगी भैंस यहाँ रहेगा, लेकिन आप क्या गाय ले आए नहीं अभी, तो ले आओ तो संसाधनों का जुटाओ। नेक्स्ट है विपणन और बिक्री, कहाँ बेचोगे, 5 किलोमीटर दूर कि 1 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर भी दूर बिकेगा 1 किलोमीटर दूर बिकेगा, लेकिन क्या पता ट्रेवलिंग ले जाने में आपका 100 रुपया ज्यादा खर्च हो जा रहा है, बेशक टाइम लग जा रहा है, आपके पास टाइम ही है तो आप जाओ ना दूर, समझ रहे हो। गांव के लोग जो बहुत सारे दूध वाले बिजनेस होते हैं, कई लोग इसमें सोच रहे होंगे सर जो है एक पर्टिकुलर जाति को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो हर हर कोई आप अपने इर्द गिर्द देखते हो, ठीक है। तो बिक्री करने के लिए लोग गांव से शहर में आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि रेट उनको 10 रुपया पर लीटर हो सकता है अधिक मिल जाए, तो अगर मान लीजिए वो 20 लीटर लेके आते हैं तो कितना हो गया, 200 रुपये उनको एक्स्ट्रा मिल जाए, मान लो 100 रुपया पेट्रोल का जला 100 रुपया कमा लिया ना दिन भर में, एक बात करें, ठीक है, गांव की तुलना में, ठीक है, यानी कि 100 रुपया ही नहीं केवल अब बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण और निगरानी, गाय छूट के भाग गई भैंस छूट के भाग गया, ठीक है,
तो नियंत्रण और निगरानी भी करना जरूरी है। प्रेरणा और नेतृत्व, प्रेरणा होनी चाहिए कि यार अब एक काम करते हैं, एक भैंस और बढ़ा लेते हैं, एक ठीक है एक आदमी लगा लेते हैं, ठीक है, जिससे काम और बढ़िया हो जाए। खैर जो आदमी लगा हुआ था पहले से उसी को मोटिवेट करते, यार तुम 1 घंटा काम करते हो, बैठे रहते हो, हम तुमको तनख्वाह देते हैं, तो ये क्या है, प्रेरणा दे रहे हो आप और नेतृत्व भी कर रहे हो। नेक्स्ट है जोखिम प्रबंधन, उद्यमी के अंदर जोखिम प्रबंधन होना चाहिए। अरे यार ऐसा हो गया, 4 भैंसे बीमार हो गई, नए दूध दे रही है, तो यार टेंशन नहीं होना, ठीक है ठीक है, आज कम पैसा कमाना है, 2-3 दिन कम पैसा कमाना, लेकिन पता चला छोड़ छाड़ के बिजनेस घर बैठते गए, नहीं ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंधन, पैसा आ गया, अब पैसा आया क्या, आप कहे कि एक काम करो 10 भैंस और लेके आओ, अरे रुक जाओ भैया, आप उसको बैंक में जमा कर लीजिए, जहां पहले आप जगह बनाइए तब आप भैंस या कोई भी गाय को लेके आइए, ठीक है, मतलब जो पैसा आया तुरंत नहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। हो सकता है कि बाढ़ आ गई, या हो सकता है कुछ ऐसी दुर्घटनाएं आ गई, तो आपके पास पैसा बचा रहेगा तो काम आ जाएगा, तो वित्तीय प्रबंधन। नेक्स्ट नवाचार, इनोवेशन, ठीक है। अब आप नवाचार कर रहे हैं, मतलब जो आप घर घर ले जा रहे थे ना, अब एक काम करिए किसी पैकेट में उसको बनाइए, पैकेट पे अपना टैग लगाइए, टैग लगा करके बेचिए, ठीक है, 2 रुपया प्लास्टिक का मिल गया, तो ये इनोवेटिव हो गया। नेटवर्किंग, संबंध निर्वाह, ठीक है, आप घर घर जा रहे हैं तो आपके बात व्यवहार बने रहे ना, कोई काम आएगा तो मान लीजिए किसी बड़े साहब के यहाँ दूध पहुंचा रहे हैं और वहां पे जो है उनका बहुत अच्छा खासा प्रशासन में पकड़ है, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, हमने ऐसा नहीं कहा कि आप जानबूझ के गलत काम कर रहे हैं, गलती हो गई तो हो सकता है वो आपको उनके संबंध से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो ठीक है। उद्यमी विभिन्न हितधारकों जैसे ग्राहकों, आपूर्ति का, अन्य व्यवसायी के साथ संबंध बनाता है और ये नेटवर्क व्यवसाय विकास और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। चलिए समाधान का पेशकश, प्रूविंग सोल्यूशन, इसमें क्या है कि सपोज दैट मार्केट में कुछ उथल पुथल हो गया, ठीक है, तो उथल पुथल हो गया तो आप जो है जो समस्या आई थी उसको इस तरीके समाधान करना है कि आपके बिजनेस पे कोई प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट है नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी, ठीक है, मतलब आपके अंदर ये भी होना चाहिए कि नैतिकता का भावना है, ठीक है, कि आप बड़े आदमी बन गए, इतना बड़ा इतना कारोबार आपका बढ़ गया, लाखों कमा रहे हैं महीने के, ठीक है, तो पता चला बगल के पड़ोसी जो है अब आपसे बुजुर्ग है, पहले आप नमस्ते करते तो आप नमस्ते ही नहीं करो, ये नहीं होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए आपके अंदर, और जब नैतिकता होगी तो सामाजिक जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी, तो आप क्या करोगे 1,000 रुपया किसी भी फंक्शन में दान दे दोगे, आपके गांव में कोई प्रोग्राम हो रहा है उसमें दान दे दोगे, आपके गांव में किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो गई इलाज के लिए दान दे दो, तो ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है, प्लस आज की डेट में एक जिम्मेदारी और बढ़ रही है, उसको सब लोग फॉलो करते हैं, पढ़ लेते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा, आर्टिकल 40 के अंतर्गत शायद है, 40 44 या 40 है याद नहीं आ रहा है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है कि पर्यावरण की भी सुरक्षा करिए, पेड़ लगाइए, देख लिया गर्मी कितना भयंकर है, ठीक है, तो ये सब है, ठीक है। इन कार्यों के माध्यम से उद्यमी न केवल अपने व्यवसाय को सफल बनाता है बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है, समझ में। तो ये जितने 13 पॉइंट हैं, ये 13 पॉइंट के हेडिंग इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, पहले हिंदी वाले अगर रहेंगे तो हिंदी पहले लिखेंगे,
खैर इंग्लिश वाले हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उद्यमितों की विशेषता, जो पिछला था लगभग वही आएगा चीजें। विशेषता, पहला दृष्टिकोण और दृष्टि, उसमें क्या था, विजन और लीडरशिप था ना, तो यही तो है विशेषताएं। आप जब कोई उद्यमी बन रहे हैं तो आपके अंदर क्या विशेषताएं, अरे आपका विजन अच्छा होना चाहिए, आपका टारगेट अच्छा होना चाहिए, जोखिम लेने की क्षमता सेम वही चीज है, नवाचार सेम वही चीज है, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एंड टेकिंग, डिसीजन लेना और डिसीजन बनाना दोनों होना चाहिए, परिश्रम, हार्ड वर्किंग एंड प्रिजर्वेंस, ठीक है, कमिटमेंट जिसको कहते हैं, कमिटमेंट समझ में आ गया। नेतृत्व कौशल आया थोड़ी देर पहले, हमने बताया है। सृजनात्मकता, आपके अंदर ये होना चाहिए कि व्यवसाय हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ लोगों को रोजगार भी दें। व्यापारिक समझ होना चाहिए, मार्केट में आप जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर दूध या ब्रेड या स्मार्टफोन जो भी आप बेचने जा रहे हैं, पता चला आप वहाँ जो पैसा चल रहा है वहाँ पैसा न चल करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, या सोने के भाव में लेन देन हो रही है, तो ये व्यापारिक समझ होनी चाहिए। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट है संपर्क और नेटवर्किंग, आया ही था। दूसरा है समाधान केंद्रित दृष्टिकोण, आया था। एडाप्टेबिलिटी, ये नया टर्म है, एडाप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बोलिए, ठीक है। वही दूध वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये हुआ कि मान लीजिए मार्केट में ठंडी शादी का टाइम चल गया, पनीर की खपत ज्यादा होगी, दूध आपको ज्यादा निकालना पड़ेगा। निकालने का मतलब कि आपके यहाँ और गाय भैंस अधिक होना चाहिए, तो पहले से अलर्ट रहते हैं कि हम एक गाय दो भैंस और या ऐसे रख लें। तो यानी कि बाजार के अनुसार आप अपने प्रोडक्ट की स्थिति परिस्थिति की चुनौतियों को अपने अनुसार बदल लेते हैं, ठीक है, समझ में आए। अभी जैसे धीरे धीरे ठंडी आ रही है, ठंडी आ रही तो एसी, फ्रिज, कूलर का डिमांड कम हो जाएगा, हीटर का डिमांड अधिक हो जाएगा, तो यानी क्या है कि हीटर बनाने का कंपनी अलर्ट हो जाएगी, ठीक है। धैर्य और सहनशीलता तो होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है संभावना आत्मसंवाद, सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ टॉक, अपने आप को भी मोटिवेट करिए, ठीक है, कि यार हम ऐसा मान लीजिए किसी दिन कोई प्रोडक्ट नहीं बिका, दूध नहीं बिका, तो ऐसा नहीं है कि आप रोइए, ठीक है, ठीक है, धैर्य बनाए रहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं, उसका नहीं बिकता, उसका चेहरा एकदम उदास, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि भैया ये कितने का, उसका देखिए एक्टिविटी और उसे चेहरे की खुशहाली देखिए, ठीक है, समझ रहे हैं। तो कुछ चीजें आप ऐसे भी जगह से खरीद सकते हैं जिसमें शर्माने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, आप ठीक है स्मार्ट हो गए इस टाइम, अब बहुत सारी चीजें हैं घर बैठे बैठे मिल जा रही हैं, ऑनलाइन फ्री डिलीवरी और ये सब हो जा रहा है, लेकिन ठीक है वो भी चीज करिए, लेकिन ऐसे भी चीज को खरीदिए जहां पे लोग कम जा रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर ये होना चाहिए, ग्राहक की समझ होनी चाहिए, ग्राहक क्या चाहता है उसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब विशेषताएं एक सफल उद्यमी के अंदर होनी चाहिए। उद्यमी के लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं, कौन कौन सी बाधाएं आएंगी,
यानी कि एक आप उद्यमी बनने जा रहे हैं तो कौन कौन सी बाधाएं आएंगी। ठीक है, पहला है पैसा। ठीक है, पहला है पैसा। आप सोच के बैठे थे बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे, आपका दृढ़ निश्चय था आप स्टार्ट करेंगे बिजनेस, आप ब्रेड का बिजनेस स्टार्ट किए। ठीक है, तो ब्रेड का बिजनेस जब स्टार्ट करने की कह रहे थे तो उसके लिए गेहूं चाहिए, या दूध का बिजनेस स्टार्ट किए तो भैंस गाय चाहिए, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। आपने सोचा था यार मेरा दोस्त थर्ड ईयर के बाद 1,00,000 रुपया देगा, वो वाला दोस्त 1,00,000 रुपया देगा, ये दिया किसी ने नहीं, तो क्या है वित्तीय बाधाएं। प्रारंभिक पूंजी की कमी हो जाती है, नए उद्यमियों के लिए आवश्यक प्रारंभिक पूंजी जुटाना कठिन हो जाता है। नकदी प्रभाव की समस्याएं होती है, नकदी प्रभाव की स्थिरता बनाए रखने के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर शुरुआती चरण में। आपने सोचा था 1,00,000 शनिवार को आ जाएगा, दोस्त मेरा भेज देगा, लेकिन नहीं मिला, कहा नहीं 50 ले लो, 50 अगले महीने ले लो। तो ये है नकदी प्रभाव का। फंडिंग का स्रोत, सही निवेशों वित्तीय स्रोत ढूंढना मुश्किल होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई दोस्त आपका कहता, हाँ तुम बिजनेस स्टार्ट करो, जो प्रॉफिट होगा हमको इतना दे देना। ठीक है, अब वो मुकर गया तो वही चीज है, फंडिंग का स्रोत सही नहीं मिला। ठीक है, तो ये हो गया पैसे का मैटर, बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट है बाजार। आप बना तो लिए, ब्रेड बना लिए या दूध बना लिए, अब ले गए मार्केट। ठीक है, कहेंगे दूध जो है आप इस्तेमाल करिए, कह रहे नहीं हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, एलर्जी है, ये है वो है, फलाने ढकर हम चाय नहीं पीते, दूध का चाय नहीं पीते, ग्रीन टी पीते हैं, ये सब चीजें हैं। तो बाजार, बाजार में और भी लोग हैं तो काहे खरीदेंगे। कुछ दिन पहले दूध का पैकेट नहीं आता था, पाउडर आता था, लोग उसी का चाय बनाते, आज पैकेट आ रहा है, अब पैकेट भी कई तरीके की आ रही है। ठीक है, तो जब कई तरीके की आ रही है, कई कंपनियां हैं, तो स्पर्धा तो है ही। बाजार की मांग, अरे बाजार में उसकी मांग है कि नहीं, प्लस ग्राहक का आधार निर्माण, ग्राहक उसको पसंद कर रहा है कि नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट। तकनीकी बाधाएं, 2 किलोमीटर दूर आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं और बेचने जा रहे हैं, या फिर उसके लिए कच्चा माल आप खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, तो कैसे जा रहे हैं? आप जाके खुद सर पे ले आ रहे हैं, तो सर पे ले आएंगे तो ठीक है, पैसा बच गया, पैदल लेके चले, लेकिन अब बताओ जितने देर में पहुंच पाओगे, या पहुंच पाओगे, थक जाओगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ तकनीकी लगाइए, मशीनें तकनीकी लगाइए जो ये काम आसान कर दे। चारा काटने के लिए 2 आदमी है, आप मोटर लगाइए, आदमी भी बच गए, मोटर लगा काट दीजिए, 1 आदमी इस पे, 2 आदमी की जगह 1 ही आदमी। ठीक है, सिस्टम और प्रोसेस कितना है, प्रभावी है। ठीक है, और उसमें काम करने वाले लोग कुशल हैं कि नहीं, कुशल है, कुशल का मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग किए हुए हैं कि नहीं। मानव संसाधन की भी बाधाएं है, खैर आज के टाइम पे नहीं है, है नहीं है, है अभी, अभी लेबर ढूंढने जाइए, मजदूर ढूंढने जाइए, हजारों मिलेंगे, एक पढ़ा लिखा मजदूर ढूंढने जाइए नहीं मिलेंगे। ठीक है, समझ में है, तो ये मैटर है। हालांकि वो अपना एजुकेशन नहीं बताएगा, मजदूरी कर लेगा, क्योंकि इतनी बेरोजगारी। तो कुशल कर्मचारियों की भी कमी है, सही प्रतिभा और कुशल कर्मचारियों को ढूंढना और उन्हें बनाए रखना, ये बहुत बड़ी अहम चीज थी। ठीक है, एक चीज और है, जैसे किसी किसी इंडस्ट्री में लोग बिना पढ़े लिखे इतना अच्छा ज्ञान वो रहते हैं, मतलब काम करने में निपुण रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं होती है, और जो डिग्री क्या होती है वो बताता है कि ये कितना पढ़े लिखे। तो वही चीज बता रहा है, सही कुशल कर्मचारी की कमी। ठीक है, टीम प्रबंधन आपका सही नहीं है। प्रशासनिक और कानूनी बाधाएं, जैसा कि
प्रशासनिक, अभी हमने कहा कि आइसक्रीम वाली आप फैक्ट्री लगाए थे और प्रशासन ने कहा कि ऐसा करिए ठंडा चीज खाने से लोगों में रोग फैल जा रहा है तो आप आइसक्रीम हम बंद करवा देंगे। चलो भैया बाधाएं आ गई, ठीक है। प्लस आपके आइसक्रीम वाली फैक्ट्री के इर्द गिर्द कोई ऐसी चीजें फैल गई, ठीक है, कि वहां से कोई लेन देन ही नहीं कर पाएगा, या वहां धारा 144 लग गया, कर्फ्यू लग गया है, तो कैसे आप सामान इधर उधर कर, कैसे लोग वहां जाएंगे खाना खाएंगे आइसक्रीम लेंगे या फिर ऐसे, ठीक है। ऐसे व्यक्तिगत भी बाधाएं हो सकती है, व्यक्तिगत बाधाएं का मतलब आइसक्रीम का फैक्ट्री खोले हैं और पता चला क्या पड़ोसी दुश्मनी हो गई, तो पड़ोसी दुश्मनी हो गया, लोग मारपीट स्टार्ट हो गया, तो मनोवैज्ञानिक दबाव भी हो सकता है, उच्च स्तर पर तनाव और मानसिक दबाव से निपटना, समय प्रबंधन, शिक्षा और प्रशिक्षण में लगातार सीखने और नए कौशल हासिल करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं भी आएंगी, ठीक है। जैसे किसी हमने सिलेबस में डिस्कस किया था कि किसी शहर के इर्द गिर्द के क्षेत्र जो क्या होते हैं, एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है जहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाती है, तो जहाँ इंडस्ट्री लगाई जाएगी वहाँ पे ऐसी जगह लगाई जाएगी जहाँ पे लोगों का रहना ना हो, ठीक है। क्यों लगाई जाती है कि इंडस्ट्री से क्या निकलता है, प्रदूषण होता है, वो प्रदूषण घरों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो जब प्रभावित करेगा तो गाँव जो इर्द गिर्द लोग रहेंगे वो कंप्लेन करेंगे कि ये फैक्ट्री बंद करो, ठीक है। तो ऐसी बाधाएं आएगी। उद्यमिता की सफलता, ठीक है, उद्यमिता की सफलता, ये बात करते हैं कि कोई भी उद्यमिता कितना सफल हो इसकी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। सफल उद्यमिता के लिए निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है सही विचार और योजना। जैसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि सही उद्यमी के अंदर क्या क्या गुण होनी चाहिए, तो सही उद्यमशीलता के अंदर क्या गया, सेम वही चीज है, सही विचार योजना। अरे जो विचार सही करोगे, प्लानिंग सही करोगे, तभी तो आपका बिजनेस अच्छा स्टार्ट हो गया। मार्केट आपने सर्वे अच्छा किया है तभी तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका सही है तभी तो आपका उद्यमशीलता अच्छा होगा। टीम निर्माण आपका अच्छा है, यानी कि आप अगर दूध वाला जो बिजनेस स्टार्ट किए हैं, गाय को देखने वाला कोई और है, भैंस को देखने वाला कोई और, अब वो भैंस को देखने वाला एक आदमी रखे हो लाइक ए सुपरवाइजर, तो वो चार आदमी को लगाया है, तो चारों को इस तरीके से वो डील कर रहा है कि दूध बहुत अच्छा से आ रहा, ठीक है। तो ये टीम बिल्डिंग। नेक्स्ट है मार्केटिंग और ब्रांडिंग। अब मार्केटिंग आपका अच्छा हुआ है, आपकी ब्रांडिंग अच्छी हुई है, ब्रांडिंग का मतलब ये हुआ कि नाम कराना, ठीक है, ब्रांड का मतलब नाम कमाना, एक तरीके से क्वालिटी अच्छी होनी, क्वालिटी सेम। ग्राहक सेवा, छोटा छोटा आपका ग्राहक सेवा केंद्र खोल लिए हैं कि ग्राहक वहां आएगा, अब आपके प्रोडक्ट के बारे में उसको अच्छी से जानकारी दी जाएगी, तभी तो आपका बिजनेस अच्छा होगा। नवाचार, अनुकूलशीलता, इनोवेशन, अब एडाप्टेबिलिटी पिछले लेक्चर में हमने बताया। कठोर परिश्रम और धैर्य, अरे ये अच्छा है तभी तो होगा, समझ में। अभी तक ये हमने बताया उद्यमी, उद्यमशीलता, उद्यमी, ये चल। अब आप टाइप ऑफ उद्यमशीलता की बात करेंगे तो उस टाइप ऑफ उद्यमशीलता में जो होगा वो पहला नंबर आ रहा है क्या है, एकल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि मोनोपोली, इसको बोलते हैं मोनोपोली, एक अधिकार,
इसको बोलेंगे एकाधिकार, यानी ऐसी इंडस्ट्री जिसपे एक ही आदमी गवर्न करे, ठीक है, तो उसको कहते हैं एकल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, मोनोपोली। तो है क्या एकमात्र स्वामित्व या व्यक्तिगत उद्यमशील उद्यमिता एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मालिक एक ही व्यक्ति होता है जो उसे संचालित भी करता है। एकल स्वामित्व में चूंकि मालिकाना हक एक ही व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति अकेला ही व्यापार में पूंजी निवेश करता है तथा व्यापार होने वाले लाभ और हानि अकेले ही झेलता है। वास्तव में देखा जाए तो एकल स्वामित्व व्यवसाय के संचालन के दायित्व एवं स्वामित्व केवल एक ही व्यक्ति वहन कर होता है, अर्थात व्यवसाय से संबंधित सभी मामलों को सर्वोच्च न्यायाधीश एक ही व्यक्ति होता है और वस्तुतः एकमात्र मालिक होने के नाते व्यवसाय को प्रभावित करने वाले सभी मामलों के लिए उद्यम परिणामों के लिए एक ही मात्र आदमी जिम्मेदार होता है। एक ही मात्र वही चीज है, लाभ हानि उस अपना खुद जिम्मेदार देगा, पूंजी खुद लगाएगा, ठीक है, प्रॉफिट लॉस तो हमने बताया ही, अगर कहीं कोई गड़बड़ी है खुद जिम्मेदारी लेगा, कहीं कोई पड़ोसी से उसका प्रॉब्लम खुद जिम्मेदारी लेगा, सब सारी चीजें वही चीज है, ठीक है। तो एकल स्वामित्व की प्रमुख विशेषताएं क्या है? स्वामित्व और नियंत्रण, स्वामित्व मतलब अकेला खुद का, नियंत्रण अकेले खुद करेगा, लाभ हानि क्या खुद देखेगा, पूंजी निवेश खुद करेगा, ठीक है, सीमित कानून विनियम मतलब प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, कितना जाएगा, किसके पास क्या आएगा, ये सब नियम कानून अकेले खुद बनाएगा, समझ आए, ठीक है। सीमित दायित्व लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है, जब एक ही आदमी सब कुछ देख रहा है तो उसकी लायबिलिटी भी तो उसकी लिमिटेड होगी, अगर वहां दो आदमी हो जाएंगे, दो विचार आएंगे, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। कोई कहे अगर दो लोग आ गए तो कहेंगे यार जो प्रोडक्ट है कंज्यूमर को इस रास्ते से ले जाया जाए ताकि बीच में यहाँ भी दे दिया जाए किसी को, एक कहेगा नहीं सीधे ले जाओ, बीच में पता नहीं लेगा कि नहीं ले, तो दो हो गया ना, तो लायबिलिटी दो हो गई, तो यहाँ सिंगल लायबिलिटी है, सिंपलिसिटी है, सही बात, अकेले डिसीजन लेना सिंपलिसिटी है, निरंतरता है, अरे किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, अकेले जो मन करना करना, तो निरंतरता बनी रहेगी, ठीक है। एकल कराधान भी है, ठीक है, यानी कि अकेले ही टैक्स देंगे, दो लोग तो टैक्स देंगे ही नहीं। इसके लाभ क्या है? सरलता और आसानी से स्थापना, सही बात है, झंझट ही नहीं है, इंडस्ट्री बैठा लीजिए आपके पास पैसा आप खुद है, कम लागत है भाई, जितना मेरे पास उतनी ही तो लगाएंगे, ठीक है। पूरी कमाई का अधिकार है, सही बात है, पूर्ण नियंत्रण है, सही बात है, करों में छूट, ठीक है, एक ही आदमी के से पैसा जा रहा आ रहा है, अगर वही दो आदमी से, मान लीजिए 20 लाख आपकी कंपनी कमाई, ठीक है, तो 20 लाख कमाई, तो मान लीजिए 5 लाख आप, 5 लाख आपको टैक्स देना है, ठीक है, 5 लाख टैक्स देना है, मान 10% टैक्स देना है, ठीक है, तो 10% टैक्स देना है तो 20 लाख का कितना हो गया, हमने कितना कहा 2 लाख हुआ, तो 2 लाख आपको भारत सरकार को देना है। अब यही मिल करके दो लोग चला रहे थे और 10-10 लाख कमा रहे, तो इसका 10% इसका लगभग दोनों सेम आ रहा है ना, लेकिन जैसे जैसे ये कमाई बढ़ेगी ना तो उसका टैक्स वाला वो देगा, उसका टैक्स वाला ये देगा, दोनों मिला के ज्यादा टैक्स दे देंगे, ठीक है, ये होता है। सुविधाजनक बंद, जब चाहे बंद कर सकता है भाई, जब अकेले रहेगा, आज हम नई बिजनेस स्टार्ट करें जाओ, ठीक है। दूसरा है गोपनीयता, जब नियम खुद बना रहा, नियम खुद जान रहा है तो किस कोई दूसरा थोड़ी इसको जान रहा। ग्राहक और कर्मचारी संबंध, मतलब एक ही आदमी को जान रहा कि फलाने ये जो है दूध का व्यापारी है, दूध इनके यहाँ होता है, बस उन्हीं को ही जानेगा, किसी और को नहीं जानेगा, ठीक है। तो हमने क्या आज अभी तक ये हमने समझा, ठीक है, कि एकल स्वामित्व
कि क्या क्या फायदे हैं, अब हानियां की बात कर देंगे। सीमित वित्तीय संसाधन, सीमित वित्तीय संसाधन समझिए यार, मेरे पास जब 100 रुपया है तो 100 रुपये लगाएंगे ना, कहां से किसी, जब मांगने गए आप तो तुरंत वो 1 से 2 हो गया, यानी कि पार्टनरशिप हो गया, तो सीमित हो गया। असीमित दायित्व है, ध्यान रखिए, आपके अकेले हो और ऐसी कुछ घटनाएं हो गई आपकी इंडस्ट्री में, इतनी सारी जिम्मेदारी अकेले आप वहन करोगे, असीमित दायित्व। सीमित प्रबंधन कौशल, ठीक है, एक आदमी डील कर रहा है तो सीमित प्रबंधन हो रहा है, निरंतरता का अभाव, ठीक है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, समझिए, सेम वही चीज है। सीमित विकास का अवसर, सेम वही चीज है, सीमित आकर्षण, ठीक है। तो ये हानियां हैं, तो इसमें क्या है परिभाषा, लाभ आद, जो जो हेडिंग है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हेडिंग ही अपने आप में एक सेंटेंस बना देगा, ठीक है। तो हेडिंग जरूर याद रखे रहिए, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम, उस लेक्चर में हम पार्टनरशिप की बात क्या करेंगे, क्या करेंगे, पार्टनरशिप की बात करेंगे, यानी कि दो लोग अगर एक से अधिक लोग मिलकर के बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।